बड़ी खबर इस वक्त रांची से आपको बता दें, स्थानीय नीति में संशोधन मामले पर सरकार को आजसू का साथ मिला है। झारखंडी हितों के मसले पर साथ रहेंगे, ये आजसू ने कहा है। मौजूदा सरकार के मुखिया आंदोलन परिवार से हैं, झारखंड के सेंटिमेंट को समझेंगे। देवशरण भगत ने ये बातें कही हैं। बताया आपको कि आजसू अब सरकार के साथ आ चुका है। इस मुद्दे पर, स्थानीय नीति के मुद्दे पर, झारखंडी हितों के मसले पर साथ रहेंगे, ये आजसू ने कहा है। मौजूदा सरकार के मुखिया आंदोलन परिवार से हैं, झारखंड के सेंटिमेंट को समझेंगे, झारखंड की संवेदना को समझेंगे, ये कहा है आजसू ने। ये तर्क दिया है सरकार के साथ इस मुद्दे को लेकर, कि इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ है। मौजूदा सरकार के मुखिया आंदोलन परिवार से हैं, देवशरण भगत ने ये बातें कही हैं। स्थानीय नीति में संशोधन के मामले को लेकर जिस तरह सियासी बयानबाजी अब लगातार बढ़ती जा रही है, कल ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह कहा था कि 1985 जो पूर्ववर्ती सरकार अकबर सरकार ने कट ऑफ जो 1985 किया था वो 1932 होना चाहिए, ये बयान दिया था उन्होंने। और अब आज आजसू का बयान आया है कि स्थानीय नीति को लेकर सरकार के साथ है, झारखंड के लोगों के सेंटिमेंट को समझते हैं, आंदोलन परिवार से हैं और इसलिए सरकार को आजसू का साथ मिला है। झारखंडी हितों के मसले पर वो साथ रहेगा, आजसू ने कहा है। मौजूदा सरकार के मुखिया आंदोलन परिवार से हैं, झारखंड के सेंटिमेंट को समझेंगे, इसलिए आजसू भी उनके साथ है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, एक बड़ा बयान समझा जा सकता है इसे, जिस तरह से अगर पिछले रघुवर सरकार को हम देखें तो वो उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर 1985 कट ऑफ रखा था, कल जगन्नाथ महतो का ये बयान आया कि ये 1932 होना चाहिए, और आज आजसू जो एनडीए का एक मुख्य सहयोगी रहा है वो आज कह रहा है कि संशोधन मामला जो है इस मामले पर वो सरकार के साथ है। बिल्कुल, देखिए आजसू का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, और आजसू चूंकि झारखंड के सेंटीमेंट की ही लड़ाई लड़ती आई है, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो आजसू इस पूरे मामले को लेकर सरकार के साथ खड़ा है। इससे पहले भी आजसू 1932 के खतियान का एक तरीके से हिमायती रहा है, और जिस तरीके से जगन्नाथ महतो का बयान आया है तो उससे कहीं ना कहीं आजसू भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। और साफ तौर पर कहना है कि अब वक्त जो है वो कहने का नहीं, वो करने का है। और आजसू को लगता है कि जो सरकार के मुखिया हैं, चूंकि वो आंदोलन से निकलकर आए हैं, आंदोलनकारी परिवार से निकलकर आए हैं, तो लिहाजा वो झारखंड की जो भावना है, उनका जो सेंटिमेंट है, उसको वो बखूबी समझते हैं, और उम्मीद जताई है कि सरकार इस मसले पर आगे बढ़ेगी और सरकार को आजसू का हर तरह से समर्थन मिलेगा। तो क्या ये इसे दूसरे एंगल से अगर हम देखें राकेश, कि एनडीए इसका हिमायती नहीं रहा है, लेकिन एनडीए का एक मुख्य सहयोगी रहा है आजसू, लेकिन अब इसके बयान को क्या समझे, अगर वो जेएमएम का सपोर्ट कर रहा है या फिर मौजूदा जो महागठबंधन की सरकार है उसके बयान को सपोर्ट मिल रहा है आजसू का? नहीं देखिए, आजसू चूंकि झारखंड के मसलों पर उनकी सियासत रही है और स्थानीय नीति को लेकर आजसू लगातार सरकार से सवाल करते रही है, सदन की बात कर ले या सदन के बाहर बात कर ले, उनके जो नेता है वो लगातार 1932 जो कट ऑफ डेट जिसकी बात कही जा रही है उसकी वो हिमायती रही है, तो उसको इस नजरिए से देख सकते हैं। और इससे पहले भी आजसू इस जब भी इस तरीके की जब सुगबुगाहट होती है स्थानीय नीति को नए सिरे से परिभाषित करने को लेकर, तो आजसू का हमेशा समर्थन मिलता रहा है। आपने देखा होगा कि सरकार बनने के साथ ही गुरुजी ने भी इस बात को जोर दिया था, और उनके तरफ से ये कहा गया था बुकारो में कि जो कट ऑफ डेट है उसको 1932 ही माना जाए। तो उस समय भी आजसू खुलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, मौजूदा सरकार के साथ नजर आई थी, और इस वक्त भी
वो सरकार के साथ नजर आ रही है आपकी। चलिए शुक्रिया राकेश आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो स्थानीय नीति में संशोधन मामले को लेकर आजसू सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है और ये साफ तौर पर कहा है पार्टी ने कि झारखंडी हितों के मसलों पर वो साथ रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के मुखिया आंदोलन परिवार से है, झारखंड के सेंटिमेंट को समझेंगे और ये जो मसला है इस पर आजसू हमेशा से अपना रुख स्पष्ट करता रहा है कि वो इस मसले को लेकर 1932 कट ऑफ जिसकी बात हो रही है उसका हिमायती पार्टी रही है उसकी हिमायती, और इसलिए इस बार भी वो सरकार के साथ है इस मुद्दे पर।